जय हिंद एवरीवन। दोस्तों काफी सारा कमेंट आ रहा है कि भाई असम राइफल का जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको बनाने में कितना पैसा लगा आपको। मैंने उस दिन कहा था एक वीडियो में कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया है लेकिन उसमें मेरा थोड़ा सा पैसा खर्च हुआ है, तो मैंने कहा था उस वीडियो में। तो काफी सारे भाई लोग बता रहे थे किस चीज में आपका खर्च हुआ है, बनाने में कितना पैसा लगता है। तो देखो दोस्तों, ऐसा कोई रूल नहीं है उसमें पैसा लगता है, वो फ्री में होता है, पैसा एक भी नहीं लगता है। लेकिन मुझे मजबूरी में देना पड़ा और कहाँ देना पड़ा, कैसे देना पड़ा, वो आप लोग अगर समझदार हो तो समझ जाओगे। पर ऐसा कोई रूल में नहीं है कि पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ये जो काम होता है ये सिस्टम बाय सिस्टम होता है, रूल बाय रूल होता है, इसमें पैसा एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को देना पड़ा है और मुझे भी देना पड़ा है, वैसा काफ़ी सारे दोस्तों को भी देना पड़ा है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, उसको जो पैसा लगेगा उस पैसा से काम होगा, ऐसा कोई रूल में है ही नहीं। वो सिस्टम बाय सिस्टम वो काम होता है। लेकिन मुझे मजबूरी में देना पड़ा और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को भी मजबूरी में देना पड़ा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं और देना भी नहीं चाहिए, पर मैं कुछ बता नहीं सकता अभी, मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा। अगर आप लोग समझदार हो तो इस बात को समझ जाओगे, तो ज़रा संभाल के रहना, इसमें एक भी पैसा नहीं लगता है मेरे दोस्त। अगर आप भी अगर उस टाइम मजबूर बन जाओगे तो आपको भी देना पड़ेगा, और अगर शायद अच्छा इंसान होगा तो शायद आपको नहीं देना पड़ेगा, ये बात याद रखना। लेकिन एक बात मैं फाइनली कहता हूँ, इसमें कुछ पैसा की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एसपी ऑफिस में एक फॉर्म डालना है, वो आपको फॉर्म मैंने कहाँ मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो में कहा था, आप लोग देख लेना। उस फॉर्म को जमा करना है, वहाँ से आपके पुलिस स्टेशन में जाएगा और पुलिस स्टेशन से आपको फ़ोन आएगा आपके पास कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए और वेरीफिकेशन करना है। आप जाओगे, उसको वेरीफिकेशन करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, फोटो लगाना है, बस छोड़ देना है। वहाँ से सिर्फ फिर से एसपी ऑफिस तक जाएगा, वहाँ से फिर से आपके पास कॉल आएगा कि आपका कैरेक्टर बन चुका है, आप ले जा सकते हो। तो आपको वहाँ से रिसीव कर लेना है सिग्नेचर देके, बस ख़त्म बात को। लेकिन एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में देना पड़ा है, वो कहाँ देना पड़ा है, कैसे देना पड़ा है, अगर आप लोग समझदार हो तो इस बात को समझ जाओगे। मैं बार बार कहता हूँ लेकिन मैं खुल के नहीं बता सकता। तो जिन भाई लोगों ने नहीं बनाया तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं साथ, अगर असम राइफल रिक्रूटमेंट अगर ये आपका साथ भी नहीं रहेगा ना तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैंने पहले जब दो बार दिया था ना तो उस टाइम नहीं निकाला था। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप एग्जाम के टाइम दे देना या फिर आपका भर्ती के ज्वाइनिंग के टाइम आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार पता नहीं क्या सिस्टम होगा, अगर बोलेंगे कि ये चाहिए तो चाहिए, तो फिर आप कहाँ जाओगे बताओ, इतना दूर आओगे आसाम में आओगे रिक्रूटमेंट देने के लिए, अगर इस चीज़ के लिए आपको बाहर निकाल दिया जाएगा तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए कहता हूँ बना लो, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं यार। और बस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।